सर पिछले कई दिनों से जिस तरह मैसूर में हर एक इंसान अपने अपने फिक्र लेकर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, अनाज हो या कोई भी मदद हो, ये कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तरफ से और आप जो मौजूद टीम है, कई दिनों से मैं सुन रहा हूँ कि आप जो मेहनत कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आपका इरादा क्या है और कितने दिन से चल रहा है ये काम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र एहसान के हम तमाम अहबाब ये एक यूनाइटेड रिलीफ COVID-19 के नाम से हम सब जुड़कर मिलकर इस एक नेक खैर काम में जमा हुए हैं। पहली बात यह है कि इनफरादी तौर पर अक्सर बहुत सारे अफराद अपने अपने अंदाज से 100-200 किट्स के डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हुए थे, तो हमने सोचा कि ये एक दायरे में आकर अगर हम काम करेंगे तो बहुत सारा एक काम में ताकत मिलेगी, और सब जुड़कर काम करने से एक कंसोलिडेशन और सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन का एक सिस्टम अपने एक तौर पर इट विल टेक अ शेप। तो उस लिहाज से मैंने अपने एक दो चार साथियों को दावत दी कि हम सब मिलकर एक दायरे में काम करेंगे, और जिसकी बिना पर पिछले 10 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये ग्रुप फॉर्म किया, वो यूनाइटेड रिलीफ के नाम से बना। इट्स ए एनजीओ जिसमें किसी पॉलिटिशियन की मुदाखलत नहीं है और कोई इंस्टीट्यूशन इसका सपोर्ट में नहीं है, तो ये सारे इनफरादी कॉन्ट्रीब्यूशंस के जरिए ये इदारा अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो हमारा एक ग्रुप है अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक रिलीफ के काम में जुड़ा हुआ है। हमने एक किट लगभग 650 की लागत में हमने उसकी कॉस्टिंग बनाई है, और ये सारा प्रोक्योरमेंट होलसेल बेसिस पर हो रहा है। वो लगभग मार्केट प्राइजिंग के हिसाब से 750 रुपीस होती है, तो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने 6500 किट्स का कॉन्ट्रीब्यूशंस मोबिलाइज किया। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी बात। ये अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा शुक्र एहसान कि हमने पहले दिन सिर्फ ये 500 और 700 किट्स के जरिए हम तमाम जुड़े, तो ये कूल इन होने के बाद हमने इसे वास्ट पब्लिसिटी दी, और ये ग्रुप के जरिए कई डोनर्स, बहुत साइलेंट डोनर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो अपने अपने ज़कात अत्याजात और सदखात के नाम से हमें कंट्रीब्यूट किया है, इस ग्रुप को कंट्रीब्यूट किया है। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि ये जो भी माल है वो हमारे लिए एक अमानत के तौर पर आया है, और हमने फौरी तौर पर उलमा इकराम की क़ियादत में एक मशवरा भी रखा, तो मुफ्ती ताजुद्दीन साहब, मुफ्ती सलमान साहब, ज़कौल्ला हज़रत और मौलाना अरशद साहब, ये चारों की सरपरस्ती में, क़ियादत में, उनकी मौजूदगी में हमने एक तरतीब डिस्ट्रीब्यूशन की बनाई, ताकि डुप्लीकेशन ना हो, और साथ ही साथ ये एक आध हलकों को हम बाकायदा अडॉप्ट करेंगे। तो ये नज़रिए से हमने अपील जारी की कि करीब 25,000 किट्स की ज़रूरत है। ये 25 या 40,000 बोलना बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली उसकी ज़रूरत है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमने कई लोगों से अपील की, और हर मुसलमान भाई बहन ने इसमें माशाल्लाह जुड़कर हमें भरोसा करते हुए अल्लाह के नाम पर एक बहुत बड़ी रकम जमा हुई है, और हमने प्रोक्योर भी किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 1,000 से ज़ायद किट्स भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, और उसका एक टोकन सिस्टम बनाया गया है जो बाकायदा सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत काम आएगा। और
जो सर्वे टीम है हमारी, जिसमें बाबू सेठ साहब, इरफान साहब, इरफान सेठ, हमारे दीगर साथियां तजमुल वगैरह जो इसमें काम में जुड़े हैं, एक लगभग 20 या 25 हलकों में उन्होंने बाकायदा इसमें सर्वे का काम किया है। अलबत्ता हमारे सामने डिमांड बहुत है, लेकिन जो माल हमारे सामने मौजूद है उसके ज़रिए हम ये छोटी सी कोशिश की है कि ज़रूरतमंद तक हम नीडी को, मुस्लिम हैंड्स जुड़कर नीडी को हम हमारे तरफ से राशन की तकसीम करेंगे। कल जुमा है, इंशाल्लाह कल पहली सहरी होने वाली है, तो जो तकसीम का मामला पहले शुरू हो चुका है या आज से हो रहा है, कैसे? आज बहुत सारे हमारे जिम्मेदारान वो किट्स को वो एरिया में ले जाकर पहुंचाए हैं, और कल इंशाल्लाह बाद जुमा वो ये नियत किए हैं कि एक साथ वो तमाम को वहां पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं एक बात फिर से अपील करना चाहता हूँ हमारे दोस्त अहबाब को, भाइयों को, बहनों को, और अपने अपने रिलेटिव्स और जो भी हमारे ग्रुप में जमाशुदा अहबाब हैं, ऐसे इससे हटकर भी मैं बहुत सारों को रिक्वेस्ट करता हूं कि और भी आप अपने तरफ से ताउन करें, ताकि एक बहुत बड़ा काम है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इसमें पूरी पूरी कामयाबी होगी, और जो हमने टारगेट बनाया है वो ये करीब 25 से 30 हज़ार किट्स का है, तो ये सारे शहर में तो हम बांटना मुश्किल है, लेकिन इससे हटकर हमने ये कोशिश की है कि हलकेवार हम इस पर काम करेंगे, और बहुत सारे सेम हलकों में हम रिपीट करने का भी हमने इरादा किया है। जहाँ पर हम ये राशन दे रहे हैं वो सिर्फ एक का हो सकता है, 8-10 दिन के लिए हो सकता है, तो इससे हटकर दो या तीन बार भी हम देने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, डिपेंडिंग ऑन दी साइजेबल कॉन्ट्रीब्यूशन जो हम रिसीव करें। सर, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट वफा एडवाइजरी के चेयरमैन हैं, इससे हटकर मेरा यह सवाल है कि आपका क्या रोल है सर एज ए वक्त चेयरमैन में, क्योंकि अहमदनगर कमेटी से 2 लाख रुपये जैसे ही शुरू हुई तो दीगर कमेटियाँ भी अपनी जाने से आगे बढ़ रहे हैं, तो इसको क्या करने वाले हैं, मतलब आने वाले दिनों में आपका क्या ख्याल है, कैसे कर सकते हैं हम लोग? सर, कर्नाटका बोर्ड ऑफ औकाफ के साथ मेरा कंटिन्यूस राबिता रहा है। मैं अली जनाब एबी इब्राहिम साहब से और सीओ साहब इस्लाउद्दीन साहब से भी मैं डायरेक्ट कांटेक्ट में हूं, और बोर्ड के जो जिम्मेदारान हैं उसमें हमारे हालिया एमएलए तनवीर सेठ साहब भी हैं, स्टेट बोर्ड के मेंबर हैं, तो उन तमाम से हमने ये रिक्वेस्ट की है कि फौरी तौर पर ये एक ऑर्डर जारी किए करें, ताकि ये तमाम इदारे करीब शहर मैसूर में हमारे यहाँ एक 25-30 इदारे हैं जिनके पास आमदनियात काफ़ी हैं, और उनके ज़रूरियात होने के बाद भी, पूरे होने के बाद भी काफ़ी बैलेंसेस, बैंक बैलेंसेस अवेलेबल हैं, और वो सारा पैसा इंशाल्लाह इसमें काम आएगा। अभी तक तो करीब 4 इदारे शहर मैसूर में इस नेक खैर काम में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, उन्होंने करीब 10-10.5 लाख रुपये टोटली अब तक उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये हुकूमत की जानिब से और स्टेट बोर्ड की जानिब से जो ऑर्डर्स आने वाले हैं उसके हम मुंतजर हैं, जैसा वो आएंगे तो फौरी तौर पर हम ये रिलीफ के काम को आगे बढ़ाएंगे। हम भी यही उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द काम हो जाए, और इसके साथ हमारा और एक बहुत अहम मुद्दा ये भी है कि रिलीफ से अलावा रिहैबिलिटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटे व्यापारी वगैरह जो अपने पास अपना कैपिटल था उन्होंने वो एग्जॉस्ट कर लिया है, डेली वेजर में उसकी बात है, एग्जॉस्ट कर लिया है, जैसा फल बेचने वाला है वगैरह वगैरह, तो वो तरकारी बेचने वाला वो अपना जो छोटा कैपिटल था वो कंज्यूम कर लिया है, जिसके बिना पर हम रिहैबिलिटेशन के ताल्लुक से भी काम करने के लिए हमने सोचा है, तो इंशाल्लाह इसकी एक सेंट्रल कमेटी शहर मैसूर में होगी, सेठ साहब की सरपरस्ती में काम होगा, और हमारे शहर मैसूर के कारपोरेटर्स, नुमाइंदे वगैरह सब मिलकर इसमें एक बड़ी अच्छी एक तरतीब के साथ इंशाल्लाह हम काम करें। यूनाइटेड COVID-19 की जानिब से जो अलहमदिल्ला हमें सारे तमाम साथियाँ अलहमदिल्ला काम किए हैं, सबसे पहले मैं इनका तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा आप बोले, जैसा हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब हैं, हमारे इरफान सेठ हैं, बाबू सेठ हैं, और जो हमारे कहीं भी हजरत जो हमारे
ख्वाजा बादशाह बाजार के चेयरमैन जो ख्वाजा मोहिद्दीन है उन्होंने ही हमारे वो उदा के सेक्रेटरी साहब इब्राहिम सेठ साहब इन तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए और जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके साथ साथ हम जो बड़े पैमाने पर जो हमारे डोनर्स किए हैं उन लोगों को भी मैं शुक्रगुजार और नमन हूँ। इंशाल्लाह ताला आइंदा आगे भी ऐसा काम और बाकी रहेगा इस जी इस प्लेटफॉर्म से गलत मैं ये बात अपने को शुक्रिया।